आपको नॉलेज है, नहीं गाइडेंस का नॉलेज है, तो आपसे कह दिया जाता है कि आप बीएससी कर लो बेटा, बीटेक आपके बस की नहीं है। तो ऐसा कहने को मिला है, ऐसा सुनने को मिला है, हमारे स्टूडेंट्स को ही कहा गया ऐसा कि भाई तुम बीएससी कर लो या अपना ट्रैक बदल लो, तुम नहीं आईटी क्वालिफाई कर पाए हो तो आपको नहीं एडमिशन लेना चाहिए ऐसे कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। तो हम स्टूडेंट्स जितने भी आपको जेई मेंस के रिगार्डिंग डिस्कशंस करते हैं, जितने भी कट ऑफ बताते हैं, तो उन वीडियोस को देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को द मेंटा को, और बाकी आपको जितने भी हम कट ऑफ के स्टूडेंट्स वीडियोज देते रहते हैं, आई होप आप सबको पसंद आते हैं और आपको उसमें बहुत हेल्प होती है अपनी काउंसलिंग्स में। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका रिजल्ट, इनका जब रिजल्ट आता है तो वो थोड़े से डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड परसेंटाइल से बहुत कम आ जाता है, या फिर वो इतना स्कोर अप नहीं कर पाते हैं और वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं अपने स्कोर में, रिजल्ट्स में। जितना उन्होंने एफर्ट्स डाले होते हैं वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं उनके थोड़े से कम पड़ जाते हैं जब वो रिजल्ट्स देखते हैं। तो ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। तो आपको जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि रिजल्ट आ चुका है, आपके मार्च के अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है, और आपने अपना आई होप रिजल्ट भी देख लिया होगा, एक्सपेक्टेड आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आप कितना प्रिपरेशन और अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप और लगे रहिए अच्छे से। जो रिजल्ट आपका आया है उसमें अब आप क्या प्रयास कर सकते हैं, आप आगे कैसे अपनी काउंसलिंग्स में, आपको क्या NITs IIITs में कॉलेजेस में अलॉटमेंट हो सकती हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे हम कंटेंट वीडियोज आपको हम लास्ट जितने भी हम देते गए हैं वो सारे आप देख सकते हैं, और भी हम आपको अपडेटेड सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करते रहेंगे। तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, कुछ भी ऐसा अपडेट मिस नहीं करना है जो हम अपलोड करते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर 3 to 4 years में हमारे साथ जुड़े रहे और अब वो सेकेंड ईयर या बीटेक के थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं और अपना बीटेक का कोर्स कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बच्चे, प्यारे बच्चे जिनका रिजल्ट बहुत कम आया था, वो उनका रिजल्ट जेई मेंस का एक्सपेक्टेड जो उन्होंने प्रिपरेशन की थी उससे उनका थोड़ा सा कम रह गया, अब वो रिजल्ट को कैसे यूज कर सकते थे, वो सारे बच्चे जिनका आज हम बात करने वाले हैं वो सभी बच्चे परेशान हो चुके थे कि अब मैं आगे कैसे अपनी आगे के कॉलेजेस के लिए एडमिशन ले सकता हूँ। किसी का तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, लमसम मैं पहले तो ये बता दूं कि बहुत सारे इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ऐसा लगा कि हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, जिस वजह से मैं काउंसलिंग्स में ही अटेम्प्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो मुझे काउंसलिंग्स भी अटेम्प्ट नहीं करनी है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स। काउंसलिंग्स जरूर अटेम्प्ट करनी है, आपका कट ऑफ क्लियर होता है नहीं होता है, 2.5 लाख बच्चा अपना कट ऑफ, जो आप जेई एडवांस में जाते हैं वो IITs के लिए बैठते हैं, जेई एडवांस के लिए स्टूडेंट्स सिट करते हैं, बट काउंसलिंग्स में आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितनी भी रैंक आपकी आ रही है जेई मेंस में, लो से लो रैंक पे भी, लो से लो परसेंटाइल पे भी स्टूडेंट्स आप अपनी काउंसलिंग जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग्स के लिए कोई भी मनाही नहीं है, आप अपनी कितनी भी रैंक को यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में करने वाले हैं जिन्होंने अपनी रैंक को प्रॉपरली यूज किया है और ये हमारे संपर्क में आए और इन्होंने हमसे गाइडेंस लिया। ये पिछले 3 से 4 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं भी डीमोरलाइज नहीं होना है फ्रेंड्स, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकता हूँ। आपके पास देखिए स्टूडेंट्स 2 रास्ते बचते हैं अगर आपके पास रैंक अच्छी नहीं आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, जो भी फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की आपको वो अफोर्ड करनी ही पड़ेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको नहीं, आपको नॉलेज है, नहीं गाइडेंस का नॉलेज है, तो आपसे कह दिया जाता है कि आप बीएससी कर लो बेटा, बीटेक आपके बस की नहीं है। तो ऐसा कहने को मिला है, ऐसा सुनने को मिला है, हमारे स्टूडेंट्स को ही कहा गया ऐसा कि भाई तुम बीएससी कर लो या अपना ट्रैक बदल लो, तुम नहीं आईटी क्वालिफाई कर पाए हो तो आपको नहीं एडमिशन लेना चाहिए ऐसे कॉलेजेस में। तो ये अपने फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं इसी में जो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो कि कॉलेजेस में अपना बीटेक भी कर रहे हैं और जेई मेंस का अटेम्प्ट भी दे रहे हैं ताकि उनका इंप्रूव हो जाए और वो कहीं ना कहीं IITs का सपना देख रहे हैं, बट वो अपना ईयर नहीं वेस्ट आउट कर रहे हैं किसी कोचिंग में या कहीं अपनी सेल्फ स्टडी में, अपना साल पूरा नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी, कुछ स्टूडेंट्स डिसीजन ले लेते हैं कि अगर मैं अटेम्प्ट करता भी हूं तो कॉलेज के अंदर रहकर अटेम्प्ट कर लेता हूं और मेरा इंक्रीज होना होगा, मुझे IIT तक पहुंचना होगा, तो मैं डेफिनेटली IITs में जरूर पहुंचूंगा। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की। पहली जो हमारी बच्ची है
है ये है नेहा भारती, इसका 49.17 परसेंटाइल आया था, 6,30,000 इसकी रैंक थी, स्टूडेंट की एससी कैटेगरी में आती थी ये, और इनको WIT देहरादून में कंप्यूटर। फ्रेंड्स आपको पता है जैसे कि जब हम दूसरे स्टेट्स में काउंसलिंग्स करते हैं, जब हम अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो आप एससी कैटेगरी के हों, ओबीसी कैटेगरी के हों, EWS कैटेगरी के हों, आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो जब ये बच्ची अपनी देहरादून या अपनी उत्तराखंड की काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करी थी तो ये जनरल में ही आ गए। आप जितने अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि इनको एससी कैटेगरी का वेटेज मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो CRL रैंक है 6,30,000, इसी रैंक पे इनको WIT देहरादून में कंप्यूटर साइंस अलॉटमेंट हुई 2019 की ये बात है, और 2019 से दैट मींस अभी 21 चल रहा है, इनका थर्ड ईयर चल रहा है, और ये थर्ड ईयर में प्रेजेंटली बीटेक अपना कंप्लीट कर रही है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे कि इस बच्ची का ही हमने बताया, ऐसे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटाइल, जिनका रैंक बहुत कम आ जाता है और वो काउंसलिंग से चूक जाती हैं और वो काउंसलिंग ही अटेम्प्ट नहीं कर पाती हैं, या फिर वो अपना बीटेक का कोर्स करने का इरादा ही बदल देती हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रोहित सिंह के बारे में। इनकी 67 परसेंटाइल थी, 3,93,000 इनकी CRL रैंक थी, ओबीसी से होने का उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने अदर स्टेट में काउंसलिंग करी है, GKV हरिद्वार इनको अलॉट। जैसा कि फ्रेंड्स 3,93,000 पे इनको GKV हरिद्वार में अलॉटमेंट हुई है, तो आपको जैसा कि पता है काउंसलिंग्स में आपकी जितनी भी काउंसलिंग्स हैं जो साइंस CSAB में, तो उसमें 1,00,000, 1.5 लाख के बाहर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे इनको अलॉटमेंट हुई, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसी काउंसलिंग्स होती हैं, स्पॉट लेवल काउंसलिंग्स होती हैं, जब आपके CSAB राउंड ओवर हो जाते हैं आपकी सीट्स वैकेंट होती हैं और उसमें काउंसलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इनको ये इतनी रैंक पे भी अलॉटमेंट हो गई GKV हरिद्वार में। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखते हैं कोमल। कोमल की रैंक है 6,69,445 और इनको दो कॉलेज अलॉट हुए थे, HNB गढ़वाल और लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस। फाइनली ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रही हैं और इनको HNB गढ़वाल भी स्पॉट राउंड में अलॉट हुआ था। तो इनकी इतनी रैंक पे भी इनको कॉलेज अलॉट हो रहा है, दैट मींस आप इतनी रैंक तक भी अगर प्रयास करते हैं, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग्स करते हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, पूरा पूरा चांसेस है। नेक्स्ट केस देखते हैं नवनीत सिंह का। 7,49,425 इनकी रैंक थी और इनको GKV हरिद्वार में अलॉटमेंट हुई, वही सेम केस है आपका, स्पॉट राउंड में जो काउंसलिंग्स हुई थी उसके तरीके से ये अपना GKV हरिद्वार में एडमिशन ले पाए, प्रॉपर गाइडेंस के चलते इनको यहाँ पे एडमिशन मिल पाया है और इनको मनचाही ब्रांच भी अलॉट हो गई है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखें अगर, तो अलक्षेंद्र की बात कर लेते हैं। इनकी रैंक 47,995 थी, इनकी अच्छी रैंक थी, इनको NIT भोपाल में मटेरियल साइंस अलॉट हुआ। तो इनकी प्रॉपर गाइडेंस किया गया, इनको प्रॉपर हेल्प किया गया काउंसलिंग्स में, क्योंकि इनको नहीं पता था जब ये काउंसलिंग्स अटेम्प्ट कर रहे थे तो कैसे इनको चॉइस फिलिंग्स करनी है, प्रॉपर चॉइस का प्रायोरिटी क्या सेटअप करना है, तो ये सारी चीज़ों में इनको बहुत हेल्पफुल रहा। और हमने जो गाइडेंस के हमने जितने भी वीडियोस आपको अपलोड किए हैं वो सारी चीज़ें भी इनको बहुत हेल्प आउट की हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज़ाद सिंह के बारे में। आज़ाद सिंह की रैंक 74,515 है और एडवांस की रैंक 3,571 है। तो स्टूडेंट्स जो इनकी एडवांस की रैंक थी इसके चलते इनको ISM धनबाद में माइनिंग अलॉट हुई और इनको बहुत ही अच्छा इसमें ब्रांच अलॉट हुआ है, इनकी काउंसलिंग में हमने पूरा सपोर्ट किया है और इनकी चॉइस फिलिंग में एंड जितनी भी जोसा एंड CSAB के राउंड्स थे उन सब में हमने इनको हेल्प किया। खैर इनको जोसा में ही इनको ये अलॉट हो गया था ISM में धनबाद, तो इनके CSAB राउंड तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स की हमने बात की है फ्रेंड्स। तो 2019 के हमने कुछ स्टूडेंट्स का ये डिस्कशन किया, आगे हम और वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट सीरीज के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं कि कोई मैम इंपॉर्टेंट ऐसी कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ, एच रैंकर के बारे में। एच रैंकर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी टेस्ट सीरीज को आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे JEE मेंस के, JEE एडवांस के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत अच्छे लेवल पे इसमें टेस्ट आपको अवेलेबल है और इसकी टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके एक्सपेंस में है और आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। द मेंटा कोड को आपको डालना है, बस आपको 1,000 रुपीज का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, द मेंटा कोड को जरूर डालना है ताकि आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाए। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है एच रैंकर स्टूडेंट्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आपको वेबसाइट के बारे में भी इसमें शेयर कर दिया जाएगा, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स की बात करें, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अक्षय कुमार के बारे में जानते हैं। इनकी रैंक थी 9,83,880 GKV हरिद्वार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीधी सी बात है इनको स्पॉट राउंड में इतनी रैंक पे भी अलॉटमेंट हो गई। GKV हरिद्वार सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट, 17 परसेंटाइल में बच्चों को लगता है क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अक्षय कुमार से आप पूछिए, इनको काउंसलिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दी है उसी के गाइडेंस से ये 17 परसेंटाइल को लास्ट राउंड तक आराम से यूज करके GKV हरिद्वार जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाए हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपकी परसेंटाइल कितनी भी आ रही है आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं काउंसलिंग्स और आप एंड तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए ऋषभ कांत के बारे में। 3,77,853 इनकी रैंक है
और इनको UIT होशियारपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हुई है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग्स के द्वारा। तो इनकी काउंसलिंग्स में इनको जो लास्ट राउंड होता है जैक चंडीगढ़ का, उसमें इनको ये अलॉटमेंट हुआ था। स्टार्टिंग के राउंड्स में इनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, बट एंड तक इनको फाइनली UIT होशियारपुर तक इनको सही इनका डेस्टिनेशन ये पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है काउंसलिंग। हम नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाते हैं, मोहम्मद शोएब अख्तर। इनका एक यूट्यूब पे फ्रेंड्स एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक। इनकी रैंक आई थी 467,394, थोड़ी ज्यादा रैंक है, लेकिन स्टिल बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस रहा और उसने काउंसलिंग अटेम्प्ट की GGU बिलासपुर में। ये फाइनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये एडमिशन ले पाए हैं। अभी ये प्रेजेंटली इतनी स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा रैंक होती है पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, बीटेक में आ गई है बस टाइम वेस्ट करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये इस बच्चे ने एक एग्जांपल सेट किया है। जितने भी फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाके देख सकते हैं, इस बच्चे के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रेजेंटली ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और इसने बहुत ही अच्छा आगे अपना स्कोप अपना अभी से जनरेट कर लिया है और ये स्टूडेंट एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। बस आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट हम स्टूडेंट में जाते हैं, आयुष के बारे में जानते हैं थोड़ा। 223,000 इनकी रैंक रही थी और इनको HBDI कानपुर में फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच अलॉट हुई थी लास्ट राउंड में। जो लास्ट काउंसलिंग्स होती हैं, सीट्स वैकेंट होती हैं, वहां तक आपकी जगह काउंसलिंग अटेम्प्ट की होगी तो आपको ज्यादा रैंक तक भी अलॉटमेंट हो जाती है। तो 2,23,000 रैंक तक लमसम इनको फूड टेक्नोलॉजी में अलॉटमेंट हो गई। अच्छा कॉलेज है और आपका कानपुर में है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट पे देखते हैं अगर, मोहम्मद अनीश के बारे में। 363,967 इनकी रैंक थी, 69% की लमसम इनकी आई हुई थी। तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिल पाया। लास्ट राउंड जो स्पॉट राउंड होता है उसमें इनको एडमिशन मिल पाया। 4 ब्रांच इनको मिल गई, IT लमसम शायद IT ब्रांच इनको अलॉटमेंट हुई है, तो अच्छी ब्रांच है, बहुत ही अच्छा इनका मन भी था IT ब्रांच लेने का। तो काउंसलिंग्स बस निरंतर प्रयास करते रहिए। जोसा इन CSAB में आपको पता है HNB गढ़वाल नहीं मिलता है इतनी रैंक तक, बट स्टिल इनको मिला क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग्स प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट की और इनको गाइडेंस सही मिलता रहा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखें अगर, घनश्याम बिंद के बारे में देखते हैं। घनश्याम बिंद को 255,000 में निफ्टम सोनीपत में अलॉटमेंट हुई और निफ्टम सोनीपत से ये फूड टेक्नोलॉजी से इंजीनियर। निफ्टम के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, निफ्टम एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी के लिए और बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। फीस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कॉस्टली है, बच्चे कम अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आ रहे या आपको अगर कोई रिजर्वेशन मिल पा रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपको निफ्टम अलॉट हो जा रहा है, GFTI में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है निफ्टम, और घनश्याम बिंद इसमें पढ़ रहे हैं कितनी रैंक में, 255,000 रैंक में इनको ये अलॉटमेंट हुई थी। तो बहुत ही अच्छा मौका रहता है इसमें अगर आप फूड टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। एक स्टूडेंट की हम और बात करेंगे, पुनीत राजवंती के बारे में। पुनीत राजवंती स्टूडेंट जो हमारे हैं, ये इनकी रैंक अगर हम देखें तो 5 लाख के आसपास इनकी रैंक थी और इनके बारे में हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इस साल इन्होंने बीटेक के फर्स्ट ईयर में इन्होंने फिर से एग्जाम दिया है JEE मेंस का और इनकी परसेंटाइल भी बहुत अच्छी आई है, लमसम 96% ये बच्चा लेके आया है और इसने अच्छा स्कोप किया है बीटेक के फर्स्ट ईयर में रहते हुए। एंड आई होप इस साल इनको NITs में भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर इनको मिलेगा, अगर मिल जाता है तो ये हो सकता है क्विट करें, जो इस प्रेजेंट कॉलेज में ये पढ़ रहे हैं, ये अभी HNB गढ़वाल इंस्टीट्यूट में ये CS ब्रांच में ये पढ़ रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट इनकी फ्रेंड। हम और बात करते हैं ओम जी अवस्थी के बारे में। ओम जी अवस्थी के बारे में हम बात करते हैं, ये एक ऐसा बच्चा है जिसकी रैंक 1,90,000 के लमसम थी JEE मेंस में और इनको HBTU अलॉट हुआ था। फिलहाल प्रेजेंटली अगर हम इनकी बात करें, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका खुद का एक YouTube चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने अपना स्कोप जनरेट कर लिया है और इनको बहुत बच्चे जानने लग गए हैं एज अ टीचर। तो ओम जी अवस्थी इतनी रैंक पे भी अपना एक अच्छा सा एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम कुछ बात कर लेते हैं 2020 के बच्चों के बारे में। 2020 में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है बीटेक के फर्स्ट ईयर में, हम थोड़ी सी उन पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी रैंक भी, स्टूडेंट्स हम बच्चों की बात कर रहे हैं 2020 में, 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन सभी की आप बस देख रहे होंगे कि रैंक बहुत बहुत ज्यादा आई हुई है। तो ये रैंक इतनी ज्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं 771,000 रैंक है अंकित सिंह राज की। तो इतनी रैंक आने पर भी बच्चा तुरंत डीमोडलाइज हो जाता है कि भाई मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है, मुझे तो कोई अलॉटमेंट ही नहीं हो, नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो केस थोड़ा उल्टा ही है। थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाता है बच्चे को, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल जाता है किसी ऐसे पर्सन का जो कि सही डायरेक्शन में आपको बस ये बताता जा रहा है कि भाई कॉलेज बढ़िया है
और आपको आगे मौके मिल सकते हैं, आपके पास और क्या क्या चांसेस रह सकते हैं, आप कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, आप इन यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में क्या स्कोप रहते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा ये मोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है और काउंसलिंग अटेम्प्ट करती रहनी है। अंकित सिंह राज HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं EE ब्रांच में, और इतनी रैंक आने पर भी इनको स्पॉट राउंड में ये कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। तो ज्यादा रैंक तक भी कॉलेजेस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के GF रहते हुए भी फ्रेंड्स इन्होंने फिर से JEE Mains का एग्जाम दिया है और इनकी 65% इस अटेम्प्ट में आई हुई है बीटेक के फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी। तो आई होप ये फिर से काउंसलिंग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट देख लेते हैं प्रखर शुक्ला के बारे में। 311,000 इनकी रैंक है और ये HBTU में पढ़ रहे हैं। HBTU में लेदर इनको अलॉट हुई थी लास्ट राउंड में, जो सीट्स वैकेंट होती है उसमें इनको ये अलॉटमेंट हुई थी। नेक्स्ट हम देखें अरिमर्दर सिंह, 471,000 इनकी रैंक और इनको GGU बिलासपुर में इनको एडमिशन मिला था और इनका जो लास्ट राउंड होते हैं स्पॉट राउंड उसमें इनको ये इतनी रैंक पे एडमिशन मिल पाया है। नेक्स्ट हम देखें सोनिल श्रीवास्तव के बारे में, जैक चंडीगढ़ी काउंसलिंग में जो लास्ट जो आपका थर्ड राउंड हुआ था उसमें इनको UIT होशियारपुर में अलॉटमेंट हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको IT ब्रांच अलॉट हुई थी और जो आपका फोर्थ राउंड हुआ था उसमें इनको CS अलॉट हो गई है। तो ये CS ब्रांच में पढ़ रही हैं सोनिल और इनकी रैंक है 172,945, सिंगल गर्ल्स कोटा भी इनका लग। देखिए नीरज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये झारखंड को बिलोंग करते हैं और इनकी रैंक 245,000 आई है। YMCA फरीदाबाद में ये सिविल में ये बीटेक में फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है YMCA फरीदाबाद और बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट माना जाता है। इतनी रैंक तक कैसे मिल गया, लास्ट जो राउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपके लास्ट लेवल पे स्पॉट राउंड्स हुए थे तो उसमें अगर आप काउंसलिंग्स करते हैं आप वहां तक पहुंचते हैं तो आपको इतनी रैंक पे भी अलॉटमेंट हो सकता है। फ्रेंड्स YMCA फरीदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट में भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, हम देखें ऋतिक यादव, 280,000 इनकी लमसम रैंक है और इनको BIT झांसी में केमिकल अलॉट हुआ। UPTU की इसको UPTU की जो रैंक थी इनकी, UPTU की रैंक हमने यहाँ मेंशन नहीं करी है फ्रेंड्स, UPTU की रैंक से इनको अलॉटमेंट हुआ है BIT झांसी में केमिकल ब्रांच। अब UPTU का एग्जाम कैंसिल हो गया है तो अब इसकी हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ बच्चे हैं जो हमारे कपिल कुमार के बारे में देख लेते हैं। चौधरी देवीलाल में ये पढ़ रहे हैं, 385,000 इनकी रैंक है। हर्षित की 500,000 रैंक है। चौधरी देवीलाल, लक्ष्मी राजपूत, 12th का जो इनका स्कोर था 12th के बेसिस में इनको चौधरी देवीलाल में एडमिशन मिल पाया EC ब्रांच में। तो फ्रेंड्स बस हम ये बताना चाह रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 12th बेसिस में भी फॉर्म निकालते हैं, लास्ट में जब इनकी सीट्स वैकेंट होती हैं तो आप उनमें भी। इसकी फीस नहीं है इस इंस्टीट्यूट की, लमसम 40,000 to 45,000 इसकी फीस आती है पर ईयर, 45,000 तक इसकी फीस रहती है। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस इनकी फीस भी कम है और आपके पास JEE Mains का प्रॉपर स्कोर भी नहीं है तब भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं बाय काउंसलिंग्स, और एंड तक आप काउंसलिंग्स करते रहेंगे तो आपको जरूर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। दिव्यांशु राणा की बात करें तो इनकी 825,000 रैंक है और इनको GNDC लुधियाना में एडमिशन मिला है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, सिविल ब्रांच में ये पढ़ रहे हैं और ये लुधियाना में इंस्टीट्यूट है। लास्ट में आपकी काउंसलिंग्स होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग्स होती है GNDC में और आप उसमें काउंसलिंग्स में अटेम्प्ट करके इतनी रैंक पे भी एडमिशन्स ले सकते हैं। मैकेनिकल सिविल अच्छी ब्रांचेस मानी जाती हैं GNDC की, तो आई होप काउंसलिंग्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं प्रॉपर तो आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन। दिल्ली टूल इंजीनियरिंग में ये बच्चा पढ़ रहा है अनिकेत सोम, इनकी रैंक है 190,000 और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच एक होती है फ्रेंड्स, मैकेट्रॉनिक ब्रांच इसमें इनको अलॉट हुई है और ये इसमें पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये अच्छी ब्रांच भी है और थोड़ी सी यूनिक ब्रांच है, सभी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पाई जाती है। कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप की इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच होती है। तो ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, खुश है ये ब्रांच लेके और दिल्ली टूल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। GGIPU की काउंसलिंग से इसने अटेम्प्ट की थी और लास्ट में इनको जाके ये अलॉटमेंट हो गई। तो ये जितने भी फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी की रैंक 2 लाख से ऊपर है और 9 लाख के अंदर है, 2 लाख से ज़्यादा एंड 9 लाख के अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो वो सारे बच्चे आराम से काउंसलिंग्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती, बस काउंसलिंग्स का सही गाइडेंस होना बहुत। जितने भी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं आपका मई और अप्रैल का, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखिए और आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है आप उसको बस बेस्ट देते रहिए, JEE एडवांस की तैयारी करते रहिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, JEE एडवांस पे भी फोकस रखना है। और जितने भी फ्रेंड्स आप काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करेंगे आप हमारे वीडियोस द मेंटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप जितने भी बच्चों की रैंक अच्छी नहीं आई है, परसेंटाइल अच्छा नहीं आया है, वो भी काउंसलिंग्स अटेम्प्ट करेंगे और काउंसलिंग्स के बाद अपना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स आप ले पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।